किसी ने सही कहा है कि परिंदों को उनकी मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वहीं लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एंटोनिम्स MCQs कराऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। मैं सिर्फ सही आंसर पर टिक करूंगा, बाकी आपको मीनिंग्स बताता चलूंगा। बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप पॉज करके गेस कर सकते हैं। वैसे दूसरे वर्ड का स्ट्रांग मतलब है, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, बहादुर, मजबूत। तीसरा है वैलियंट। वैलियंट का भी मतलब होता है वेरी ब्रेव, बहादुर। फ्लिमजी मतलब होता है स्ट्रिंग यानी धागा। चूंकि हम एंटोनिम देख रहे हैं इसलिए पहले का आंसर होगा बोल्ड का एंटोनिम होगा टिमिड। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है वेरी हैप्पी। आप देखिए इसमें पहला वर्ड दिया हुआ है बेटिफिक। बेटिफिक मतलब होता है हैप्पी या आनंदप्रद। रैप्चरस का मतलब होता है हर्षोन्मत, बहुत ज्यादा खुश। एंट्रेंसिंग मतलब मंत्रमुग्ध कर देना। और मिजरेबल का मतलब होता है अत्यंत दुखी। क्योंकि एक्सटैटिक का मतलब वेरी हैप्पी होता है और मिजरेबल का मतलब बहुत दुखी, इसलिए इसका एंटोनिम होगा मिजरेबल। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एफ्यूजिव। एफ्यूजिव का मतलब होता है शोइंग टू मच इमोशन, बहुत ज्यादा मात्रा में भावनाओं को दिखाना। ऑप्शंस हैं स्कैंटी, आउटरेजियस, इमोशनल, एफ्लुएंट। मैं बताता हूं आपको जल्दी से, आउटरेजियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नाराज। इमोशनल का मतलब भावुक, वो भी ज्यादा मात्रा में, इमोशनल आदमी है वो। एफ्लुएंट मतलब होता है गंदा पानी या गंदा नाला के लिए ये वर्ड यूज होता है, एफ्लुएंट। एफ्यूजिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है शोइंग टू मच इमोशन, इसलिए इसका जो अपोजिट होगा आप लोगों को पता ही होगा, इसका अपोजिट है स्कैंटी, यानी पहला ऑप्शन सही है, स्कैंटी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज को सरल बनाना। अब इसके लिए वर्ड्स हुआ है पहला हेल्प। हेल्प मतलब सहायता करना। प्रोपोगेट मतलब फैलाना किसी चीज को, स्प्रेड करना, प्रजनन के लिए भी वर्ड यूज होता है। हिंडर। हिंडर मतलब बाधा। किसी चीज को सरल बनाना और फैसिलिटेट मींस सरल बनाना और हिंडर मींस बाधा उत्पन्न करना, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगला है रिजेक्ट, रद्द कर देना। तो इसके लिए जो एप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम होगा वो होगा हिंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किफायती या कम खर्च करने वाला। अब इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है स्पारिंग यानी मितव्ययी, स्पारिंग वर्ड के लिए कम खर्च करने वाला। थ्रिफ्टी मींस इसका मतलब भी वही होता है जो कम खर्चा करे। फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्यय करने वाला, कम खर्च करने वाला। जबकि लैविश का मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट यानी जो ज्यादा खर्च करने वाला हो। इसलिए इकोनॉमिकल जो किफायती आदमी हो इसका अपोजिट होगा लैविश। होप आप समझ रहे होंगे और ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है जो कठिन हो समझने में। इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है हाइड, किसी भी चीज को छिपाना, ये तो पता ही होगा आपको, हाइड। दूसरा है एक्सपोज। एक्सपोज मतलब ओपन करना, किसी भी चीज को इजिली समझ लेना या समझा देना। अगला वर्ड है ऑब्लिरिटेट। ऑब्लिरिटेट मतलब टू रिमूव साइंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के साइंस को मिटा देना, जो कि बिल्कुल अलग है। डिस्गाइज का मतलब होता है रूप बदलना या छिपाना। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑब्स्क्योर, जो समझने में कठिन होगा, अर्थ होगा ओपन, एक्सपोज करना, जो कि बहुत ईजी हो। जैसे कि हम लोग के सारे सीक्रेट्स बहुत ईजी रहते हैं, सारे ओपन सीक्रेट्स हैं, उसी तरह से ऑब्स्क्योर का अपोजिट होगा एक्सपोज। होप आप समझ रहे होंगे।
चलिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बिल्कुल एक जैसे ही सारे सिनोनिम्स लगेंगे आपको। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, जबकि इसके एंटोनिम्स चारों दिए हुए हैं। सिली, इसका मतलब भी मूर्ख है। अनवाइज, इसका मतलब भी मूर्ख है। इडियोटिक, इसका मतलब भी मूर्ख है। और पुअर, बेचारा या गरीब के लिए यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन आप कैसे चुनेंगे, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा वही सही होगा। तो इसके लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड होगा प्रूडेंट के लिए, अनवाइज। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा, वो बी होगा, अनवाइज, जबकि चारों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब स्वेच्छाचारी या जिद्दी, जो बहुत जिद्दी हो उसके लिए ऑब्स्टिनेट वर्ड यूज होता है। ये बिल्कुल समझ लीजिए, वो बहुत ऑब्स्टिनेट आदमी है, तो बहुत जिद्दी आदमी है। इसके लिए जो पहला वर्ड दिया हुआ है ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब भी जिद्दी होता है। रिलेंटलेस, इसका मतलब भी निर्दयी, कठोर। डोसाइल, इसका मतलब होता है जो सीखने के लिए योग्य हो, चाहता हो सीखना। विनीत, एक्चुअल वर्ड होगा विनीत इसके लिए। इमोडेस्ट, इसका मतलब निर्लज्ज आदमी। इमोडेस्ट आदमी मतलब निर्लज्ज आदमी। तो आप जान गए होंगे इसका आंसर क्या है। ऑब्स्टिनेट मतलब जो स्वेच्छाचारी, जिद्दी हो। डोसाइल, जो बहुत विनीत हो, सीखने के लिए तत्पर हो, लाइक आपके और हमारे तरह। चलिए, इसका आंसर आप जान गए होंगे, इसका आंसर है सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वर्ड है ऑब्विएट। ऑब्विएट का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी नहीं समझना, किसी चीज को सपोर्ट नहीं करना। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, सपोर्ट करना। तो इसका सही आंसर होगा ए, सपोर्ट करना। आगे देख लेते हैं। प्रिक्लूड मतलब होता है असंभव। ये काम बिल्कुल प्रिक्लूडेड है, मीन्स असंभव है। शो मीन्स दिखाना या किसी चीज को शो करना या समझाना। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑब्विएट मीन्स होता है जो चीजें जरूरी नहीं समझता और सपोर्ट ना करना। ऑब्विएट जो ये वर्ब है, और इसका सही आंसर होगा सपोर्ट। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड और लास्ट वर्ड है मीजली। मीजली मतलब नगण्य, जो बिल्कुल ना के बराबर हो। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टिंजी, कंजूस। स्टुपेंडस, स्टुपेंडस मीन्स होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जो नगण्य का अपोजिट हो गया बिल्कुल। स्टुपेंडस मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में। अगला वर्ड भी देख लें आप। पाल्ट्री मीन्स बहुत ही तुच्छ, नगण्य। पाल्ट्री मीन्स भी होता है नगण्य। और सिक का मतलब आपको पता है बीमार होता है, इसलिए मीजली का सही आंसर हो जाएगा स्टिंजी, सॉरी स्टेपेंडस हो जाएगा। स्टेपेंडस मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इट्स माय फर्स्ट वीडियो, अपने दोस्तों को भी बताएं, और हम इसी तरीके से नए नए वर्ड्स सीखते चलेंगे। थैंक यू सो मच।